गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, हम किन किन साइट्स को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सोशल नेटवर्क इज़ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर इन अ सेंट्रल लोकेशन टू टॉक, शेयर आइडियाज, शेयर इंटरेस्ट, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड दे लाइव्स। यानी कि सोशल नेटवर्क क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग कुछ वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर जो कई सारे लोगों को जो अलग अलग प्लेस पर होते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी होते हैं, उन सब को बात करने का, आइडियाज शेयर करने का, इंफॉर्मेशन शेयर करने का, या अपने अपने तरीके से अपने अपने इंटरेस्ट को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कोलेब्रेशन एंड शेयरिंग डेटा इज ऑफन रिफर्ड टू एज सोशल मीडिया। यानी कि इस तरह का जो भी कोलेब्रेशन हम करते हैं या फिर जो भी हम डेटा शेयर करते हैं उसे हम सोशल नेटवर्क पे करते हैं, और ये सोशल नेटवर्क हमारे क्या कहलाते हैं, अक्सर हमारा सोशल मीडिया कहलाता है। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल मीडिया दैट इज ऑफन क्रिएटेड बाई नो मोर देन 10 पीपल। यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया यानी कि जो कि ज़्यादातर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 लोगों से ही कनेक्ट कर बात होती है। ठीक है, तो सोशल मीडिया साइट्स कंटेंट दैट यूज हैज़ बीन क्रिएटेड बाई 100 और इवन मिलियन ऑफ डिफरेंट पीपल्स। यानी कि पहले के ट्रेडिशनल जो आपके प्लेटफॉर्म्स थे जो प्रोवाइड करते थे, वो आपके कह सकते हैं सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकते थे, बट आज का जो सोशल मीडिया है इससे आप थाउजेंड्स ऑफ लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, मिलियंस ऑफ लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो एक ही समय में, एक ग्रुप के अंदर। बिलो इज अ स्मॉल लिस्ट ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट सोशल नेटवर्क यूज टूडे। यानी कि आज के टाइम पे यूज होने वाले कुछ फेमस आप कह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका यहाँ दिया हुआ है फेसबुक। ठीक है, अब फेसबुक का वेबसाइट क्या होता है, वो वेबसाइट का नाम दिया वहाँ पर www.facebook.com। अब www का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे, लिखा है ऑफन एब्रीविएटेड एज FB, यानी फेसबुक को हम किस नाम से बोलते हैं, FB के नाम से ही बोलते हैं। फेसबुक इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स ऑन द इंटरनेट। यानी कि ये सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है इंटरनेट के ऊपर। दैट वॉज को क्रिएटेड बाई मार्क जुकरबर्ग एंड ऑफिशियली लॉन्च ऑन 4 February 2004। यानी कि जो कि मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया था, को क्रिएट किया गया था एंड इसके को स्पॉन्सर बोल सकते हैं या फिर जो फाउंडर हैं वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और इसे लॉन्च कब किया गया था, 4 February 2004 को, यानी 2004 4 फरवरी को इसे लॉन्च किया गया था। फेसबुक इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर यूजर्स टू सेटअप दियर ओन पर्सनल वेब पेजेस, कनेक्ट विद फ्रेंड्स, शेयर पिक्चर्स, शेयर मूवीज, टॉक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग एंड द लाइक्स। यानी कि ये एक बहुत ही पॉपुलर, फेसबुक क्या है, फेसबुक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है आपका, जिसपे बहुत सारे पर्सन अपना खुद का ही पर्सनल वेब पेज बना सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, मतलब दोस्तों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, वहाँ मूवीज शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, और अपने पोस्ट पर लाइक्स कमेंट्स के लिए भी लोग वहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, उस वो भी आप वहाँ पर पॉपुलर बन सकते हैं उससे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है ट्विटर। अब ट्विटर भी जानते हैं, ट्विटर भी एक सोशल मीडिया है आपका, जहाँ पर सेम आपका फेसबुक की तरह काम करता है, बट ट्विटर ज़्यादा ही आपका कह सकते हैं कि पॉपुलर माना जाता है, और ट्विटर को कह सकते हैं, ट्विटर को ज़्यादातर पॉपुलर लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है, अ सोशल नेटवर्किंग साइट क्रिएटेड बाय जैक डॉर्सी, नोहा ग्लास, इवान विलियम्स एंड बिज स्टोन। यानी कि ये ट्विटर किसके थ्रू बनाया गया है, ये जैक डॉर्सी, नोहा ग्लास, इवान विलियम और बिज स्टोन ने इन्हें बनाया था। दैट अलाउज एनी वन टू पोस्ट अ शॉर्ट 140 कैरेक्टर मैसेज अबाउट एनीथिंग ओवर द इंटरनेट एप्लीकेशन और फ्रॉम दियर फोन। ठीक है, यानी कि ट्विटर हमें क्या अलाउ करता है, ट्विटर हमें 140 कैरेक्टर का मैसेज कहीं भी हमें पोस्ट करने का, शॉर्ट मैसेज जो होता है वो हमें पोस्ट करने का एक फीचर प्रोवाइड करता है, चाहे वो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं या आप इसे अपने सिस्टम से भी कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो। ठीक है, फिर दिया गया है, ऑफन ट्विटर्स
यूजिंग पोस्टिंग ऑन ट्विटर विल पोस्ट अबाउट वॉट दे आर डूइंग इंटरेस्टिंग लिंक्स और पिक्चर्स दे कम अक्रॉस मेजर इवेंट्स एंड रिप्लाइज टू अदर यूजर्स ऑन ट्विटर। ट्विटर का यूज़ क्यों होता है? ट्विटर का यूज़ मैक्सिमम हम पोस्ट करने के लिए करते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं। सपोज कहीं इंटरेस्टिंग जगह पर कोई इंटरेस्टिंग इवेंट हम अटेंड कर रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं किस ट्रैवलिंग पर और वहाँ की पिक्चर्स हम पोस्ट करते हैं या फिर दूसरों के पिक्चर्स पर हमें हम लाइक्स या कमेंट्स करके भी उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे काम हम ट्विटर पर करते हैं। फिर दिया है यूजिंग द सर्च ऑन ट्विटर अ यूज़र कैन सर्च फॉर द लेटेस्ट न्यूज़, यानी कि आप यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ भी सर्च कर सकते हैं। व्हाट द बिजनेस एंड पीपल दे आर फॉलोइंग आर डूइंग, जिन लोगों को आपने फॉलो कर रखा है वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप उनके बारे में भी देख सकते हैं। टॉपिक्स दे आर इंटरेस्टेड इन, किन किन चीज़ों में आपके आपने जिन्हें फॉलो कर रखा है वो किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है, किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक है, लोकल सिटी और स्टेट ट्वीट एंड लोकल इवेंट्स, यानी कि आपको यहाँ पर लोकल इवेंट्स लोकल सिटीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ट्विटर इन सारे कामों के लिए यूज़ होता है। इसका URL क्या है? www.twitter.com। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका माई स्पेस, यानी कि इसका वेबसाइट क्या होगा, आपका वेबसाइट लिंक क्या है इसका? www.myspace.com। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। फाउंडेड ऑन July 2003, यानी कि जुलाई 2003 में ये बना हुआ था। ठीक है, माई स्पेस वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड बाई टॉम एंडरसन एंड क्रिस डी वोल्फ एंड टूडे हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन कम्युनिटीज दैट अलाउ एनी यूजर्स ऑन द इंटरनेट टू कनेक्ट एंड शेयर दियर जर्नल्स। यानी कि इसे किसने बनाया था? टॉम एंडरसन एंड क्रिस डी वोल्फ ने इसे बनाया था और आज के टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन मीडियम यानी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लोगों को ऑन द इंटरनेट कनेक्ट करने करता है। उनके उन्हें अपने आइडियाज शेयर करते हैं, वो पिक्चर शेयर करते हैं, अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं और फ्रेंड्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है पिक्चर्स एंड इंटरेस्ट विद दियर फ्रेंड्स एंड मिलियंस ऑफ अदर पीपल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, फिर दिया हुआ है टुडे माई स्पेस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट विजिटेड साइट्स ऑन द इंटरनेट एंड हैज़ बिकम अ ग्रेट प्लेस फॉर प्लेस टू मीट एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। यानी कि ये बहुत ही पॉपुलर है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, लोग इसे प्रेफर करते हैं और यहाँ पर हम नए फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलरिटी स्पेशली अमंग यंगर किड्स एंड टीन्स, यानी कि इसकी पॉपुलरिटी किसके बीच ज़्यादा है? बच्चों और टीनेजर्स के बीच में। माई स्पेस एंड अदर सोशल नेटवर्क हैव ऑल्सो बिकम अ पॉपुलर लोकेशन फॉर ऑनलाइन प्रीडेटर्स हु स्टॉक यंग किड्स। यानी कि ये माई स्पेस जो है एक्चुअली बहुत पॉपुलर है, इसे बच्चे और टीनेजर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस वजह से ये एक थोड़ा पॉपुलर लोकेशन बन गया है। किस चीज़ के लिए? थोड़ा इलीगल वर्स में भी जो बच्चों को स्टॉक करते हैं या फिर क्योंकि लोग यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, फिर आपका दिया गया है गूगल प्लस या गूगल प्लस, यानी कि आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं या फिर गूगल प्लस भी बोल सकते हैं। ये क्या है? गूगल प्लस इज़ अ सोशल नेटवर्क फ्रॉम गूगल, यानी कि ये गूगल द्वारा प्रोवाइडेड एक सोशल नेटवर्क है। सम ऑफ इट्स टूल्स एंड फीचर्स कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म्स, यानी कि इसके कुछ टूल्स और फीचर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म जो भी हैं इसमें वो गूगल द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि सच एज द पिकासा फोटो स्टोरिंग एंड शेयरिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि जिसे आप देख सकते हैं कि फोटोज़ के लिए हम पिकासा एक सॉफ्टवेयर होता है गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, हम इसका यूज़ करते हैं अपने फोटोज़ को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सम ऑफ द फीचर आर सिमिलर टू अदर पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स एंड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट से भी मिलते हैं और कुछ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से भी मिलते जुलते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर मिला जुला के कुल चीज़ें आपको आप यहाँ पर ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, कुछ फीचर्स के थ्रू आप यहाँ पर सोशल नेटवर्क का यूज़ करके आप लोगों से कनेक्ट भी कर सकते हैं, अपने पिक्चर शेयर कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर दिया हुआ है गूगल प्लस की बेनिफिट एंड फीचर, यानी इसके क्या बेनिफिट और क्या फीचर्स हैं वो दिए गए हैं गूगल या गूगल प्लस के। यू कैन फाइंड गूगल प्लस एट plus.google.com, यानी कि आप इसे कहाँ मिल सकता है आपको गूगल प्लस? plus.google.com जब भी हम URL डालेंगे तो वहाँ पर हमें गूगल प्लस मिल जाएगा। टू ज्वाइन गूगल प्लस यू नीड अ गूगल अकाउंट, यानी कि आपको एक गूगल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी गूगल प्लस को एक्सेस करने के लिए, वहाँ पर कनेक्ट करने के लिए, या फिर आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए।
द मेन पेज दैट अपीयर वेन यू साइन इन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ अपडेट्स कन्वर्सेशन एंड शेयर्ड कंटेंट्स। यानी कि जो मेन पेज होता है गूगल प्लस का, वो क्या क्या स्टोरेज किया रहता है, स्ट्रीम ऑफ अपडेट्स कन्वर्सेशन एंड शेयर्ड कंटेंट। यानी कि जो जो आप देख सकते हैं, जैसे फेसबुक हम ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करने पर भी हमें कह सकते हैं पोस्ट दिखते हैं, ठीक है, इवेंट्स दिखते हैं साइड में, उस कुछ कुछ ऑप्शन हमें दिखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। सिमिलर इन मेनी रिस्पेक्ट टू फेसबुक न्यूज फीड और ट्विटर, जो मैंने भी बताया कि सिमिलरली आपका जिस तरह फेसबुक ट्विटर आपका अपडेट्स शो करता है लोगों का जिनको आपने फॉलो कर रखा है उनके बारे में, सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिखेगा। When you add a contact to your Google Plus account, यानी कि आप अपने Google Plus account पर जब contact को add करते हैं, you assign them to one or more circles, which is a way of categorizing the organizing people. यानी कि आप चाहें तो उन्हें categorize कर सकते हैं, यानी कि आपके friends के friends का contact है आपका, आप उसमें रखना चाहते हैं, या फिर आपका business purpose से आप किसी ने किसी का contact save किया है, आप उस category में उसे रखना चाहते हैं। यानी कि आप यहाँ पर लोगों को categorize भी कर सकते हैं जिन्हें आप contact list में अपने involve कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक इंटरनेट कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको पूरे चैप्टर में तो आप मुझसे पूछिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है।